तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल में। चलिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं कुछ जीके का प्रश्न। पहला प्रश्न है, सेबी के वर्तमान चेयरमैन हैं। इसका उत्तर है अजय त्यागी। सियोल शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी। अर्थशास्त्र के लिए 2018 के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? विलियम। चौथा क्वेश्चन, पद्म विभूषण सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया व्यक्ति हैं? अहिल्या राजा। पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों, 2018 का शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता किसे दिया गया है? डेनिस मुकवेगे। छठा प्रश्न देखिए दोस्तों, वर्ष 2018 के लिए फॉर्मूला वन रेसों के विश्व चैंपियन बने हैं? तो लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन है, एंथोस क्या है? एंथोस क्या है? गूगल का नया क्लाउड फॉर प्लेटफॉर्म है। गूगल का नया क्लाउड प्लेटफॉर्म है। खूनी वैशाखी कविता का अनुवादक कौन है? नानक सिंह है। नवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आरबीआई ने रेपो रेट में कितने आधार अंकों की कटौती की है? 25 अंकों की है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 अंकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हवाला क्या है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हवाला विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, विदेशी मुद्राओं का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 27 दिसंबर 1911 को बंगाल में गाया गया था। इसका उत्तर यह है, लिख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न लग रहा है कि आप सभी जानते होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 15 मार्च। चलिए दोस्तों, आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट में करें और इसका उत्तर आपको कल हम बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।